इन्हें मिला भारत में सबसे पहली बार पायलट लाइसेंस और इन्होंने आगे चलकर स्टार्ट की भारत की सबसे पहली कमर्शियल एयरलाइन। तो क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और इंडिया से पूरी की। 1929 में इन्होंने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप अपनाई, जिनका नाम है जेआरडी टाटा, जो कि बेटे थे रतनजी दादा भाई टाटा की। इनकी माँ का नाम था सुजैन टाटा। जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप के अंडर कई नई कंपनीज की शुरुआत की, जैसे कि TCS, टाटा मोटर, टाइटन इंडस्ट्रीज, वोल्टास और टाटा एयरलाइन। लेकिन 1953 में सरकार ने सभी नॉन निजी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करके टाटा एयरलाइंस को भी एयर इंडिया में शामिल किया और जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा इनको फ्रांस का लीजेंड ऑफ ऑनर और 1992 में भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय उद्योग में योगदान के लिए दिया गया।